हेलो फ्रेंड्स, आई एम निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यू केयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिटी। एसिडिटी, कब्ज, ब्लॉटिंग, सुबह पेट का ठीक से साफ ना हो पाना, पेट में हर वक्त फुलाव सा रहना, खट्टी खट्टी डकारें आना, सीने में जलन, पेट का पत्थर के जैसे कठोर हो जाना, मोटापा, आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ। दोस्तों, लगातार कब्ज के रहने से शरीर के पाचन तंत्र पे बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलता है और कब्ज, एसिडिटी आज के समय में हर शख्स में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यह जो रेमेडी आप देख रहे हैं, ये आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करती है। इसके लिए पहली चीज़ हमें चाहिए अजवाइन। दोस्तों, अजवाइन पुराने समय से ही गैस की समस्याओं को दूर करने के लिए लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, अजवाइन के अंदर थायमोल पाया जाता है जो कि आपकी अपच की समस्या को पूरी तरीके से दूर करता है। आपको लेनी है एक चम्मच अजवाइन। इसमें हमें डालना है काला नमक। जी हाँ दोस्तों, एसिडिटी की समस्याओं को पूरी तरीके से दूर करने में काला नमक भी बहुत ही तेज़ी से काम करता है। काला नमक आपकी खट्टी डकारें, ब्लॉटिंग, पेट में फुलाव आना, कब्ज को पूरी तरीके से दूर करके आपके पेट को हल्का करने में आपकी मदद करता है। काले नमक के अंदर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि आपकी एसिडिटी को पूरी तरीके से खत्म करते हैं। फ्रेंड, तीसरी चीज़ हमें चाहिए हरड़, यानी कि हींग। हींग के बारे में तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हींग के फायदे आप सभी जानते होंगे। प्राचीन काल से ही छोटे छोटे बच्चों के भी पेट में दर्द होता था, गैस होती थी, तो हींग उनके पेट पे लगाने की, हींग उनको खिलाने की सलाह दी जाती आ रही है। हींग से आपके पेट का जो फुलाव आना होता है, पेट में दर्द, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, सीने में जलन, बार बार पाद आना, यह पूरी तरीके से दूर होता है। आपको यहाँ पे थोड़ी सी लेनी है हींग, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हींग का यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो हींग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया वाली है, तो आपको कम क्वांटिटी में हींग लेनी है। इसके बाद चौथी चीज़ हम लेंगे भुना हुआ जीरा। दोस्तों, भुने हुए जीरे में पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, पेट में ऐंठन नहीं बनती, पाचन तंत्र आपका ठीक से काम करने लगता है भुने जीरे के सेवन से। अब आपने इतनी क्वांटिटी में ले लिया भुना हुआ जीरा, आपने देख लिया मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें ली हैं। अब आपको क्या करना है, डेली रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से आपको लेनी है इसकी फक्की। फक्की लेके आपको सोना है। आप अगर 4 से 5 दिन इसका सेवन करेंगे, आप देखेंगे आपकी एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट में दर्द, फुलाव, खट्टी डकारें पूरी तरीके से दूर होंगी, आपका पेट ठीक से साफ होने लगेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक दूसरी रेमेडी भी फटाफट से बता देती हूँ। आप चाहें तो सप्ते में 2 दिन यह भी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इसके लिए हमें चाहिए मूली। मूली एसिडिटी, कब्ज को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। आपको मूली को, या तो आप मूली को डायरेक्ट भी खा सकते हैं, वरना मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे आपको मूली को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है। दोस्तों, मूली को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मेन चीज़, वो है नींबू। दोस्तों, नींबू पेट दर्द, अपच, एसिडिटी, पेट में फुलाव, मोटापा, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान है या विटामिन सी से भरपूर नींबू। इसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी की और भी ज़रूरतों को पूरा करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, आपके मोटापे को कम करता है, आपके पेट को हल्का करता है और आपकी जो एसिडिटी की समस्या है उसे पूरी तरीके से दूर कर देता है। आपको मूली में डाल लेना है आधा नींबू। इसके बाद आपको वही भुना हुआ जीरा डाल लेना है, थोड़ा सा काला नमक डाल लेना है। और आप इसका सप्ते में सिर्फ एक बार भी सेवन कीजिए दोस्तों, खाना खाने के बाद एज अ सैलेड, तो इससे भी आपका पेट बिल्कुल दुरुस्त रहता है, आपका हाजमा दुरुस्त रहता है, आपको एसिडिटी की समस्या नहीं होती। तो मेरे कहने से आप एक बार इनको ट्राई कीजिए, आपका एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।